सावन की पहली सोमवारी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचने लगे हैं। ऐसे में भीड़ नियंत्रण करने के लिए बिहार और झारखंड के जिला प्रशासन मुस्तैद है। दुम्मा बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं के लिए रामायण पाठ चलाया जा रहा है। बांका के डीएम और एसपी लगातार सीमा पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हुआ था। मेले को लेकर इस बार तमाम आला अधिकारी लगातार कांवरियों की सुविधा के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। श्रावणी मेला क्षेत्र बिहार और झारखंड दोनों जगह पड़ता है। इसी कड़ी में बांका डीएम और एसपी बिहार झारखंड के दुम्मा बॉर्डर पर निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कांवरियों को किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दर्दमारा बॉर्डर पर लगभग 2000 गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं बांका डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि बिहार सरकार कांवरियों की सेवा के लिए तत्पर है। तमाम जगहों पर लाइटिंग, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। बांका जिला में आज हम लोग दुम्मा बॉर्डर पर हम और डीएम साहब आए हैं। मुख्यतः जो हम लोगों का डिप्टेशन है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कंवरियों का आगमन हो रहा है, अचानक से जो भीड़ बढ़ती है, प्रेशर पॉइंट बढ़ता है, उसको लेकर के हम लोग जो है किस तरह से उनको स्प्रेड आउट करें, इस लेकर के आज हम लोग हमारे डीएम साहब रेगुलर यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। हमारे पुलिस पदाधिकारी तैनात रहे हैं, अस्थायी जो थाना है उस पर लोग तैनात रहें और कंवरियों को कोई परेशानी ना हो, कोई किसी का कोई भुला रहा है, कोई सामान भुला रहा है तो वो लोग भी हम लोग पास आ रहे हैं अपनी सूचनाएँ लेकर के। और जिस तरह से हम लोगों को हो सकता है हम लोग पुलिस प्रशासन बांका जिला हम लोग मदद करने के लिए तैयार। क्या लगता है सर, यहाँ से आप लोग की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि और बढ़ जाती है? हम लोग का लॉजिकल एंड तो देवघर ही है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि देवघर में जो श्रद्धालु पहुँचे भोले बाबा को अच्छे से जल अर्पण करके और फिर वो लौटेंगे इधर से ही, तो इसलिए हम लोगों का एरिया तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। लगभग 2 वर्षों के बाद कोविड के बाद में हम लोग श्रावणी मेला का आयोजन इस बार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें बिहार एवं झारखंड राज्य दोनों ही इसमें सम्मिलित रूप से बाबा धाम के आश्रम श्रद्धालुओं को करवाते हैं। इस बार बिहार सरकार के द्वारा सुल्तानगंज से जो पानी उठाते हैं उसके बाद मुंगेर जिला, उसके बाद बांका जिला में प्रवेश करते हुए फिर इसके बाद झारखंड बॉर्डर में दुम्मा बॉर्डर की तरफ से उनका प्रस्थान होता है और बाबा धाम में फाइनली वो लोग जल चढ़ाते हैं। इस बार बिहार सरकार की तरफ से विभिन्न स्तर पर हम लोगों ने पर्यटन सेवा एवं सहायता केंद्र, जिला सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है सूचना केंद्र, चिकित्सा हमारे बहुत सारे शिविर लगाए गए हैं। लगभग बहुत सारे करीबन 50 के करीब एम्बुलेंस जो कि नए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में उनकी तैयारी करी गई है। जगह जगह पर सरकारी धर्मशालाएं, उनको हम लोगों ने फिर से जीर्णोद्धार करके उनको अच्छे से फिर से आवासन की व्यवस्था करी है। इस बार पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग कई स्थानों पर रेन शेल्टर, वे साइड एम्यूनिटीज़ और मिनी कैफेटेरिया का भी प्रबंध